नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। अगेन आपका वेलकम है आपके चैनल हेल्थ एजुकेटर में। गाइस, कभी आपने ये फील किया है कि आपका स्पाइन का मूवमेंट है वो इंडिविजुअल होता है या यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट एक साथ होता है? ओके, तो स्पाइन में बेसिकली आपके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, दैट इज द फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग टू राइट एंड लेफ्ट एंड रोटेशन टू द राइट एंड लेफ्ट। ओके, तो क्या ये मूवमेंट आपको इंडिविजुअल वे में परफॉर्म होते हैं या एक से ज्यादा मूवमेंट यहां पे देखने को मिलता है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज द फ्रेट लॉ। सो मिस्टर फ्रेट ने इसके ऊपर काफी अच्छा वर्क किया था और हमें गाइडलाइन दिया है कि आपका जो स्पाइन का सेगमेंटल मूवमेंट होता है वो कभी भी प्योर इंडिविजुअल नहीं होता है। सो या तो स्पाइन हो या सैक्रम हो, ये कभी भी इसमें सिंगल मूवमेंट परफॉर्म नहीं होता है। ओके, तो जब एक से ज्यादा मूवमेंट आपको परफॉर्म होगा, दैट इज नोन एज कपलिंग मूवमेंट। सो कपलिंग मींस यहां पे मोर देन टू या टू से ज्यादा मूवमेंट एक साथ परफॉर्म हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिस्टर फ्रेट ने क्या क्या लॉज दिया है। तो उन्होंने बेसिकली 4 लॉज डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। सो इस वीडियो में हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि स्पाइन में क्या क्या मूवमेंट या क्या क्या लॉ यहां पे एप्लीकेबल होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिकल कपलिंग? यहां पे स्पाइन में बेसिकली आपको 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है, जहां पे टोटल नंबर ऑफ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, बोथ साइड बेंडिंग एंड द रोटेशन टू द राइट एंड लेफ्ट। इसके बारे में डिटेल्स आपको व्हाइट एंड पंजाबी सर ने भी डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द स्पाइन? ये डिपेंड करता है कि आपका जो पहला मूवमेंट स्पाइन का वो कैसा हो रहा है, उसके बिहाव पे आपका सेकेंड मूवमेंट परफॉर्म होगा। नेक्स्ट, आपका जो स्पाइन का पोस्चर है वो कैसा है। देन थर्ड वन इज द व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ दैट पार्टिकुलर सेगमेंट? अगर वहां कुछ पैथोलॉजी हो चुका है तो उसके बिहेवियर कैसा होगा, ये टोटल डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ पैथोलॉजी कैसा है उस सेगमेंट में या स्पाइन में या फिर सैक्रम में। ओके, सो आइए देखते हैं कि फ्रेट लॉ में क्या क्या है, 4 लॉज, और 1 by 1 ये क्या बताते हैं हमें। सो फ्रेंड्स, मिस्टर फ्रेट ने स्पाइन का जो सेगमेंटल मूवमेंट होता है इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दिया है। सो व्हाट इज द लॉ नंबर 1? सो लॉ नंबर 1 ये बताता है कि अगर आपका एपी कर्व स्पाइन का, दैट इज द एंटेरो पोस्टीरियर कर्व स्पाइन का, अगर आपका न्यूट्रल होगा, सो न्यूट्रल पोजिशन में क्या होगा, जो आपके स्पाइन के फेसेस ज्वाइंट है वो लॉक नहीं है, दैट इज वो ओपन है या फ्री है, और जितने भी लिगामेंट होंगे स्पाइन के वो भी रिलैक्स होते हैं, एटलीस्ट उनमें कोई टेंशन नहीं होता है। ओके, तो जब भी आप सीधे खड़े हैं, आपका स्पाइन ना फॉरवर्ड बेंड है ना बैकवर्ड बेंड है, इटमीन्स आपका स्पाइन अगर न्यूट्रल पोजिशन में होगा तो वहां पे आपका फेसेस ज्वाइंट अनलॉक रहता है और जितने भी लिगामेंट आपके हैं वो रिलैक्स होते हैं, नॉर्मल स्टेट में होते हैं। सो अगर इस कंडीशन में अगर आप साइड बेंडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आप देखेंगे जो साइड बेंडिंग और जो स्पाइन का रोटेशन होगा वो ऑलवेज आपको अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, तो जैसे आप बॉडी को साइड बेंड करेंगे, सपोज मैं एग्जांपल के अपने स्पाइन को राइट साइड बेंड करता हूं, यू कैन सी, तो जैसे इसको मैं बेंड कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं, ऑटोमेटिक यू कैन ऑब्जर्व कि मेरा स्पाइन जो है हल्का सा रोटेशन हो रहा है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, सो दिस इज द कपलिंग मूवमेंट। तो प्योर साइड बेंडिंग अभी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप साइड बेंड को करेंगे सो क्या होगा, सेगमेंटली एक वर्टिब्रा दूसरे को कंप्रेस करेगा, सो दैट राइट साइड का हमारा स्पेस कंप्रेस हो रहा है और इस साइड के ज्वाइंट ओपन हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई स्पाइन को अपना स्पेस चाहिए होता है एडजस्ट करने के लिए, तो वो क्या ट्राई करता है, ऑटोमेटिक स्पाइन का रोटेशन। ओके, सो प्योर साइड बेंडिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप ट्राई करेंगे न्यूट्रल पोजिशन में साइड बेंड करने का, यू कैन सी माई शोल्डर, और देख सकते हैं ये शोल्डर मेरा फ्रंट में है और ये शोल्डर स्लाइटली बैकवर्ड मूव कर रहा है, इटमीन्स यहां पे स्लाइट रोटेशन ऑटोमेटिक यहां पे एडजस्ट हो गया। सो दिस इज द लॉ नंबर 1। सो दिस इज द लॉ 1। अगर आपका स्पाइन न्यूट्रल पोजिशन में होगा, इटमीन्स उसके कर्व में कोई चेंजेस नहीं है, इनकेस अगर पेशेंट साइड बेंडिंग करता है सो ऑटोमेटिक स्पाइन आपका रोटेट करेगा टूवर्ड द कॉन्ट्रालेटरल साइड। सो यू कैन सी ऑब्जर्व हियर, सो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ साइड बेंडिंग टू द राइट साइड, तो स्पाइन का बेंडिंग राइट साइड में हो रहा है और स्पाइन का जो रोटेशन हो रहा है दैट इज विजिबल ओवर द लेफ्ट साइड।
आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड जा रहा है टुवर्ड राइट साइड, और जो लेफ्ट शोल्डर आपका है ये रोटेट कर रहा है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। सो ऑलवेज अगर आपका स्पाइन न्यूट्रल में है, सो व्हाइल डूइंग द साइड बेंडिंग रोटेशन ऑलवेज आपका काउंटर लैटरल साइड में होता है। सो दिस इज द लॉ नंबर वन। सो फ्रेंड्स नाउ सी द रूल नंबर टू। इसमें क्या हो रहा है, अगर सपोज आपका एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व ऑफ द स्पाइन अगर इंगेज्ड है, तो या तो आप फ्लेक्शन में है या फिर एक्सटेंशन में है, इसमें क्या फिनोमेना होगा। सो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में ऑलवेज आपका जो फेसेस ज्वाइंट होगा वो इंगेज हो जा रहा है। तो फ्लेक्शन में आपके फेसेस ज्वाइंट ओपन होते हैं और एक्सटेंशन में फेसेस ज्वाइंट आपके लॉक हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट क्या होगा, जो लिगामेंट होगा वो भी आपको टेंशन में रहेंगे। सो एक लिगामेंट आपका बेंड करने पर लूज हो रहा है, बट बैक साइड का लिगामेंट जो होगा वो स्ट्रेच पोजिशन में रहेगा। सो इट मींस आपके जो फेसेस ज्वाइंट है और लिगामेंट है दोनों यहाँ पे वर्किंग कंडीशन में होंगे। फर्स्ट लॉ में दोनों फ्री थे, ओके सो दैट्स व्हाई वो ज्वाइंट को लॉक नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं या वर्किंग पोस्चर में होंगे। सो इसमें क्या होगा, जब भी आप ट्राई करेंगे साइड बेंडिंग करने का तो ऑटोमेटिक जो रोटेशन होगा वो आपको सेम डायरेक्शन में होगा। ओके तो इस केस में अगर आप ट्राई कर रहे हैं राइट साइड बेंड करने का, सो पहले आपने फ्लेक्शन किया इसके बाद ट्राई कर रहे साइड बेंडिंग करने का, तो यहां पे आपका फेसेस ज्वाइंट या लिगामेंट फ्री नहीं है। सो दैट जब भी आप साइड बेंडिंग करेंगे तो आपका जो स्पाइन का रोटेशन होगा वो भी ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होगा। ओके यहां आप देख सकते हैं मेरा शोल्डर लेवल दोनों इक्वल है, कोई भी फ्रंट या बैक में नहीं जा रहा है। तो अगर मैंने राइट फ्रंट के बेंडिंग किया आपका फ्लेक्शन फर्स्ट ऑफ फ्लेक्शन देन साइड बेंडिंग, तो यहां पे आपका साइड बेंडिंग और रोटेशन जो स्पाइन का होगा ऑलवेज आपका सेम डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली अगर आप अपने स्पाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं उसके बाद आप साइड बेंडिंग करेंगे, अगेन सेम फिनोमेना होगा। तो एक्सटेंशन के बाद साइड बेंडिंग करने में अगेन साइड बेंडिंग एंड रोटेशन आपको ऑलवेज सेम डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द रूल नंबर टू। सो दिस इज द लॉ नंबर टू। इनकेस अगर पेशेंट कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड बेंडिंग, आफ्टर डूइंग दैट साइड बेंडिंग करने में जो आपका साइड बेंडिंग होगा और जो स्पाइन का रोटेशन होगा दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे आपका फेसेस ज्वाइंट और लिगामेंट दोनों इंगेज हो गए हैं, तो वर्टिब्रा के पास स्पेस नहीं या फ्रीडम नहीं है, वो एंटी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। सो फेसेस ज्वाइंट का ओरिएंटेशन एंड लिगामेंट का टेंशन इस मूवमेंट को चेक करता है, सो दैट आपका साइड बेंडिंग और रोटेशन ऑलवेज सेम डायरेक्शन होगा। सो नाउ कम टू द लॉ नंबर थ्री। लॉ नंबर थ्री क्या बताते हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आपने स्पाइन के किसी भी सेगमेंट में एक मूवमेंट को परफॉर्म कर लिया है, इसके बाद जब भी आप सेकेंड मोशन को परफॉर्म करेंगे तो ऑलवेज जो सेकेंड वाला मूवमेंट होगा उसका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है। ओके तो जब भी आप पहला मूवमेंट करेंगे उसका रेंज ऑफ मोशन फुल मिलेगा, इसका इंपैक्ट आपको सेकेंड मूवमेंट पर पड़ता है और सेकेंड मूवमेंट का रेंज ऑफ मोशन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ साइड बेंडिंग टू द लेफ्ट साइड, जब मैं नॉर्मली कर रहा हूं ये आपको फुल रेंज में जा रहा है। ओके बट सपोज इसके पहले मैं अपने नेक को फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में लेके जाऊंगा, टेक द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन, इसको मैंने एक्सटेंड किया, अब मैं साइड बेंडिंग करूंगा, सो ऑटोमेटिक यू कैन सी इसके बाद मैं मूवमेंट को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। ओके अगेन अगर सपोज मैं ट्राई कर रहा हूं पहले फ्लेक्शन करने का देन साइड बेंडिंग करने का, अगेन सेम इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू टेंस्ड हो गए हैं और मैं इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं। सो दिस इज द लॉ नंबर थ्री। नाउ सी द लॉ नंबर थ्री। इन केस अगर पेशेंट आपको प्योर फ्लेक्शन करवा रहे हैं, सो फर्स्ट मूवमेंट ऑलवेज आपका फुल रेंज ऑफ मोशन में होगा, बट जो सेकंड या थर्ड मूवमेंट परफॉर्म करेंगे वहां पे सेकंड और थर्ड मूवमेंट का रेंज ऑफ मोशन ऑलवेज डिक्रीज मिलता है। यू कैन सी हियर। सो फर्स्ट नाउ कम टू द लॉ नंबर फोर। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके स्पाइन के किसी भी सेगमेंट में अगर मूवमेंट का लॉस होता है या किसी एक प्लेन का मूवमेंट का लॉस होता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिसफंक्शन, तो जो आपका अनदर प्लेन होता है उस मोशन को कंपनसेट करता है। अगर वो कंपनसेट नहीं करेगा सो इन दैट सेंस आपका मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो पाएगा या फिर आपका जो मोशन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज किसी का अगर लंबा लोडोसिस काफी इंक्रीज किया हुआ है, इसको कंपनसेट करने के लिए आपके थोरैसिक स्पाइन में सर्टेन कार्पोटिक डिफॉर्मिटी डेवलप होता है। इसको बैलेंस करने के लिए जो सर्वाइकल स्पाइन का लोडोसिस ऑटोमेटिक आपको इंक्रीज हो जाएगा, या फिर जस्ट इन द रिवर्स ऑर्डर अगर किसी का सर्वाइकल स्पाइन का जो कर्वेचर है या लोडोसिस अफेक्टेड हुआ है, इसके कारण आपका जो थोरैसिक स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो अफेक्टेड होता है और अल्टीमेटली आपके जो लंबर स्पाइन है उसके कर्वेचर भी अफेक्टेड होते हैं।
ओके तो अगर एक प्लेन में आपका मूवमेंट का लॉस हो रहा है तो दूसरा प्लेन ट्राई करता है उसको कंपनसेट करने का, सो दैट आपका जो स्पाइन का मूवमेंट है उसको आप परफॉर्म कर सकें। अदरवाइज क्या होगा, वो पेशेंट या वो इंडिविजुअल उस मूवमेंट को परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ओके नाउ सी द लॉ नंबर 4, इसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक प्लेन का मोशन का लॉस हुआ है तो स्पाइन के दूसरा सेगमेंट या प्लेन ट्राई करता है उसको कंपनसेट करने का। यू कैन सी हियर, यहां पे आप देख सकते हैं जो लंबर फॉलोइंग स्पेस दिख रहा है, एटलीस्ट जो लंबर का लॉसेस है वो नॉर्मल से ज्यादा है। इसको कंपनसेट करने के लिए आपको थोड़ा सा स्पाइन का स्लाइटली आपको कैपोटिक डिफॉर्मिटी दिख रहा होगा। ओके अगर इसको कंपनसेट करने के लिए जो सर्वाइकल स्पाइन का कर्वेचर है वो भी इंक्रीज्ड है, इट मींस जो सर्वाइकल का लॉसेस है वो स्लाइटली इंक्रीज दिख रहा है। ये आपको रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है कि पहले इनका अफेक्टेड हुआ है सर्वाइकल स्पाइन, इसको कंपनसेट करने के लिए थोरैसिक स्पाइन में चेंजेस आया है और देन अल्टीमेटली इसको कंपनसेट करने के लिए लंबर स्पाइन में ये हॉलो स्पेस आपको डेवलप हो चुका है। ओके तो ऐसा क्यों होता है, सो दैट आपका जो स्पाइन का मूवमेंट है वो कंप्लीट ब्लॉक ना हो, तो ऑलवेज जो अदर पार्ट होते हैं वो ट्राई करते हैं इसको कंपनसेट करने के लिए। आई थिंक ये सारे लॉस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जब भी किसी पेशेंट का असेसमेंट करेंगे फॉर एनी स्पाइनल conditions, इन सारे लॉस को आप माइंड में रखेंगे कि हमें किस पोस्चर में असेसमेंट करना है, वेदर इन द न्यूट्रल पोजिशन या फिर फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में, और क्या क्या कपलिंग मूवमेंट होता है। तो हम एक साथ चाहे तो तीन कपलिंग मूवमेंट को हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल स्पाइन का सपोज साइड बेंडिंग टू वन साइड, देन फ्लेक्शन एंड देन रोटेशन टू द सेम साइड या फिर अपोजिट साइड। ओके तो यहां मैंने तीन मूवमेंट को तीन प्लेन में परफॉर्म किया, साइड बेंडिंग फर्स्ट मूवमेंट, देन गो फॉर फ्लेक्शन एंड देन गो फॉर रोटेशन टू द कॉन्ट्रालेटरल साइड। तो जब भी किसी पेशेंट का असेसमेंट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कपलिंग मूवमेंट में इसको चेक करने का। ओके तो क्या क्या मूवमेंट पेनफुल उसके लिए है, सपोज साइड बेंडिंग किया उसका पेनफुल है या नहीं है, इसके बाद हमने अगेन फ्लेक्शन को ऐड किया तो क्या पेन का लेवल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे या नॉर्मल हो रहा है, देन हमने इसको और कंप्रेस करने के लिए रोटेशन भी ऐड कर लिया तो क्या इससे प्रेशर ज्यादा जनरेट हुआ, ज्यादा उसका पेन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से अपने जो सिन पोजिशन होता है ज्वाइंट पेन का उसको हम नोट डाउन करते हैं कि सिन का लेवल क्या है। अगर सिन हाई होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैसे ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे, और अगर सिन का लेवल आपका लो होगा तो वहां पे हम किस पोस्चर में ज्वाइंट को मोबिलाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स सिन के बारे में आपको मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, सिन क्या होता है और हाई या लो सिन में हमें कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए। सो टिल देन आप इस फ्रेड लॉ को अपने माइंड में रखें, और जहां भी पेशेंट का असेसमेंट कर रहे हैं इस सारे लॉ को आप माइंड में रखते हुए उसका असेसमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो स्किल है या जो अप्रोच है वो काफी चेंज हो गया है और एक बड़े इफेक्टिव वे में आप पेशेंट को असेस कर पा रहे हैं। ओके गाइस सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।